बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोज़ेज़ नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे 8171 12,000 के हवाले से, 14,000 के हवाले से और इसके साथ एहसास लेटर के बारे में। हुकूमत की जानिब से एहसास लेटर भी भेजा जाता है जहां से आपको एक बड़ी इमदाद दी जाती है। एहसास लेटर के ज़रिए आपको कहा जाता है कि 6,000 रुपये आपको मिलेंगे, जबकि 8171 से बताया जाता है आपको 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि अब कफालत जो इमदाद है उसमें 14,000 देने का ऐलान किया गया है। तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। बहुत ज़्यादा लोग एहसास लेटर के बारे में नहीं जानते और हुकूमत की जानिब से ख़त भेजा जा रहा है। जिनको ख़त मौसूल हो चुका है उनको अब क्या करना चाहिए और जिनको अभी तक एहसास लेटर नहीं मिला वो किस तरीके से ये ख़त हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और 8171 से हुकूमत की जानिब से आपको 14,000 रुपये की इमदाद फराहम की जा रही है। अगर 14,000 पे आप लेना चाहते हैं तो इसका नया जो तरीक़ेकार आया है वो क्या है और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको एहसास के अंदर प्रायोरिटी दी जा रही है और उनको एहसास का हिस्सा बनाने के बाद फौरी तौर पर इमदाद दी जाती है। मज़ीद इंफॉर्मेशन से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और एहसास से मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बर वक्त आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और 100% अथेंटिक न्यूज़ यहाँ से आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन आपको यहाँ से बहुत सारी अच्छी मालूमात मिलेंगी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम में बेहतरी लाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करके इसमें इमदाद भी फराहम की जा रही है। इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए थे जिनमें आवाम को इमदाद दी गई, लेकिन ये अपनी तर्ज का एक वाहिद प्रोग्राम है जिसमें आपको इतनी बड़ी रकम दी जा रही है और इसके अंदर कोई एक दो ख़ानदान नहीं है, इसके अंदर लाखों ख़ानदानों को शामिल किया गया है। पहले 70 लाख ख़ानदान इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे और उसके बाद इसमें मजीद इजाफा किया गया और 1 करोड़ खानदानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। अब हुकूमत की जानिब से आपको एहसास लेटर भेजा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मिल चुका है और ये आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिलता है और उसके ऊपर आपका नाम भी दर्ज होता है, यहाँ तक कि शिनाख्ती कार्ड नंबर, मुकम्मल डिटेल आपको वहाँ से मिल जाती है। लेकिन जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, अगर आपने मोबाइल नंबर जब आपका सर्वे हुआ था तब आपने लिखवाया था तो वहाँ पर मोबाइल नंबर भी ऐड होगा, जिसके बाद पोस्टमैन आपको कॉल करके बताएगा कि आपका एहसास लेटर आ चुका है और आप यहां से आकर वसूल कर लें। तो हुकूमत की जानिब से जो एहसास लेटर भेजे जा रहे हैं इस पर 6,000 की इमदादी रकम मौजूद है, क्योंकि ये एक किस्त है जो कि 3 माह की किस्त है और ये आपको 6,000 रुपये दी जाती है। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें तब्दीली की गई है तो अब यहाँ से आपको 7,000 रुपये मिलेंगे और जबकि 3 माह की एक और किस्त इसके साथ शामिल कर ली जाए तो 14,000। तो ऐसे खानदान जिनको 6 माह हो गए और रकम वसूल नहीं की उनको 14,000 दिए जाएंगे और जिनको 3 माह का अरसा गुजरा है उनको हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपये दिए जाएंगे।